कौन स्टार्ट करें बेटा? इसमें मोशन वाले चैप्टर में मैं सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी जो है उनको हम वर्कआउट कैसे करेंगे, और साथ ही साथ हम बेटा वो जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको यूज करके हम न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा, वी विल डिस्कस दैट ऑल। तो आइए पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करें। इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा, तीन इक्वेशंस हैं बेटे हमारे पास मोशन ऑफ द पार्टिकल्स को जो गवर्न करती हैं। पहला है आपके पास b इज इक्वल टू यू प्लस at, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप कहते हो बेटा। सेकंड इज हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वाला 2as बेटा। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट बेटे अंडर द फ्री फॉल मूव कर रहा हो, फ्री फॉल का मतलब होता है कि ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर मूव कर रहा है, अगर आपने किसी चीज को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से ड्रॉप कर दिया तो दैट विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वहां पे इन इक्वेशंस में जहां जहां पे ए है वहां पे जी आ जाया करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाया करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इट विल बी वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी अगर फ्री फॉल है तो। जी की वैल्यू पता है? नहीं नहीं, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, याद रखिएगा राइट। और ये बन जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और ये बन जाएगा बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एस। मतलब जिस जिस जगह पे आपका ए था वहां पे फ्री फॉल के केस में स्मॉल जी आ जाया करता है, राइट बेटा। देन आइए आगे चलें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करके देखें डिराइव कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, क्या जीरो आएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यू जीरो आएगा आप जब ड्रॉप करोगे, राइट बेटा। सो आइए बेटे फर्स्ट इक्वेशन की बात करके देखें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बेटे मैं डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, किस तरीके से हम इसको बेटे डिराइव कर पाएंगे आइए देखें। आप लोग जानते हो कि आपका जो एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसके बराबर होता है बेटा ये आपका। अगर आप एक स्ट्रेट रोड इमेजिन कर लें कि एक स्ट्रेट रोड है, इस रोड पे एक टॉय कार ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल ए। हमने क्या किया, इस टॉय कार पे एक फोर्स एफ अप्लाई किया इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द टॉय कार। उससे क्या होगा, हम इस टॉय कार की जो स्पीड है आफ्टर सम टाइम जब नोट करते हैं तो ये बी के बराबर आपको मिलेगी। मतलब स्पीड जो है ये बेटा बदल गई है, स्पीड अब आपके ऑब्जेक्ट की बेटा डिफरेंट है, और अगर ये डिफरेंट है बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है टॉय कार जो है इट मस्ट बी गेटिंग एक्सेलरेटेड, और इसने ए से लेकर बी तक मान लीजिए एस के बराबर का डिस्टेंस भी कवर किया है। एंड साथ ही साथ आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा जो मूव कर रहा है इसको ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए टाइम टी सेकेंड्स के बराबर का लग गया, राइट बेटा। अगर ऐसा है तो आपका बेटे यहां पे चेंज इन द वेलोसिटी
कितना आया उत्तर? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल ठीक बेटा, इट इज वी माइनस यू के बराबर आ गया बेटा। अब आप क्या करोगे, टाइम टेकन निकाल लीजिए, टाइम कितना लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, टी सेकंड्स के बराबर या टी के बराबर का टाइम लग गया। अब आपने कहा है कि एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और ए विल बी इक्वल टू दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी, इट इज द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज बेटा, है ना। इस टी को इस तरफ शिफ्ट कर दें, ए टी इट इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। यहां आप इसको ऐसे लिख लो, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यू को उस तरफ ले जाइए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी कैन डिराइव एज सच, राइट। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है, आसान है, हाँ जी। चलें आगे, देन लेट अस कम टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। डिस्टेंस कवर्ड आपका जो है ऑब्जेक्ट का बेटा एस, इट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हुआ करता है। हम इसको डिराइव करना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है, ये फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी हम ऐसे निकाला करते हैं बेटा, है ना बेटा। और साथ ही साथ आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है ये बेटे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन के बराबर हुआ करता है। आपकी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम हो गया। अरे बेटे आप देखो ऐसे लेस एनर्जेटिक लग रहे हैं काफी ज्यादा, हाँ जी, इज इट देयर, दैट शुड बी द स्पिरिट बेटे। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सो रहे हैं सारे। सो आइए अब आगे बात करके देखें, ये एवरेज वेलोसिटी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, एस विल बी इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इनटू टी। वी आपने अभी अभी निकाला था फर्स्ट इक्वेशन से, वी इज इक्वल टू यू प्लस, आप इस वी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कर दें। डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू बेटा यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इन टू टी कर दें, है ना। सो एस विल बी इक्वल टू यू प्लस यू, कितना होता है टू यू के यू स्क्वायर, टू यू, वेरी गुड, दिस इज टू यू। एटी में कुछ नहीं ऐड होने वाला, एटी एटी रह जाएगा, टू टू ही रह जाएगा, टी टी रह जाएगा। ये टू इसके डिनोमिनेटर में भी है, इसके भी है, अलग कर सकते हैं। एस में हाँ कैसे काट सकते हैं भाई, ये दो चीजें ऐड हुई हैं, ये चीज उसमें एडेड है ना, ऐसे नहीं काट पाएंगे हम, ऐसे काट सकते हो आप, टू यू अपॉन टू प्लस एटी अपॉन टू इंटू टी, अब होएगा राइट। टू से टू अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो टी को ब्रैकेट के अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दो, यू टी प्लस हाफ, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। कोई बात नहीं, पता चली तो पूछिए बेटा, सबको क्लियर है, चलें आगे फिर। ओके, इसके बाद बेटे थर्ड इक्वेशन हम कैसे
डिराइव कर पाएंगे. लेट अस फोकस अपॉन दैट बेटा. थर्ड इक्वेशन में आपका डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज एंड टाइम, ये कंसेप्ट हुआ करता है बेटा. आइए देखें, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है. अगेन आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन के बराबर हुआ, बिकॉज हमारा एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. और अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये एवरेज स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. और एस विल बी इक्वल टू यूर बी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी कर दें, है ना बेटा. आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको एडजस्ट कर लें लेफ्ट साइड पे. अगर बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड टी विल बी बी माइनस यू अपॉन ए, राइट बेटे. ये टी की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 11 रोल नंबर, एक मिनट वेट करिए बेटा. एस आपके पास आ जाएगा बी प्लस यू अपॉन टू, टी की जगह पे बी माइनस यू अपॉन ए. ये टू और ए जो है इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनका डिनोमिनेटर. एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन टू ए बी प्लस यू एंड बी माइनस यू. टू ए को इस तरफ ले जाइए, टू ए एस इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, राइट. 11 रोल नंबर कुछ कहना चाहता है बेटा, बोलिए बेटा. 11 सर, जब आपने उस पे हर एक ए के साथ ए की जगह जी लगाया था, तो वो हम ग्रेविटी किस केस में लगाते हैं इक्वेशंस में? वो बेटे फ्री फॉल के केस में होता है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप कर देते हो, फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देते हो, राइट बेटा. ओके सर, ध्यान से देखिएगा एक बार. ये मेरे हाथ में एक चौक का पीस है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे. मैं इसको ऐसे धक्का नहीं दे रहा नीचे को, सिंपली इसको छोड़ दिया. इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो ये जो चौक का पीस नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये इसकी एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगी, उसी को आप एक्सेलरेशन डी टू ग्रेविटी कह देते हो. 11 रोल नंबर, इज इट क्लियर नाउ? बाकी के स्टूडेंट्स भी? हाँ जी, इसको नीचे करके बोलो. हाँ जी, एक्सेलरेशन इतना ही होगा, जितनी मर्जी बड़ी हो जितनी मर्जी छोटी हो, राइट. और कोई पॉइंट किसी स्टूडेंट का हो बेटा? एक्टिवली बैठो बच्चों, आप ऐसे देखो है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं जान ही नहीं है. आप देखिए एक्टिवली बैठिए, मौसम भी अब ठीक है, अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है, राइट. हाँ जी, यस कह देते लेकिन एक्टिवली बैठते नहीं है. फिर भी आपको थोड़ा बाद में टाइम टाइम टू टाइम कहना पड़ता है. चलें जी आगे. आप एनी स्टूडेंट हैविंग, ये बुक दीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स बेटे एक्सरसाइज निकाल. कोई बात नहीं बेटे, इसमें भी करेंगे, वो भी कर लेंगे. बेटा आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके देखेंगे. एक दो मैं करूँगा, एक दो आप भी करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर में तो आपको ही अपीयर होना है, राइट डियर चिल्ड्रन. सो आइए बेटा एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बेटा. एग्जाम्पल नंबर 8.4 है मेरे पास आपकी एनसीईआरटी बुक का है. और एक बात और मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपका साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जितना आप ज्यादा पढ़ लोगे आप उतना ही अच्छे रहोगे.
किसी एक बुक तक अपने आप को कन्फाइंड मत रखिए। ये नहीं कहिए कि मैंने जी ये बुक पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया, ऐसा नहीं कहना कभी भी। कोई और बुक पकड़ लीजिए, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, राइट। अगर वो हो जाते हैं और पकड़ लो, देर इज नो एंड बेटा। आप मेहनत करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, इट विल पे यू ए लॉट इन द एंड। चलें करें साथ। बात बनती नहीं, वो अभी भी एक्टिव नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, आप स्टेटमेंट मत लिखिए, मैं पढ़ देता हूं, आप सिंपली समझ लो इसको। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब है स्मॉल यू कितना हो गया, जीरो, राइट। राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। वी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको दिया गया है 30 सेकेंड्स का। 30 सेकेंड्स में वो इतनी स्पीड अटेन कर लेता है अपने साइकिल पे। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इतना काम करने के बाद उसने ब्रेक्स लगा दी, राइट बेटा। और आपको देखो उन्होंने दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी बन गई। ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अगले 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में कैलकुलेट द एक्सलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। बिटवीन, एक मिनट वेट करिएगा बेटा, मैं पहले क्वेश्चन आपको एक बार समझा दूं, वो पूछना क्या चाहते हैं। आपको कहा गया है कि राहुल स्टेशनरी साइकिल को 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक ले जाता है 30 सेकेंड्स में, राइट। उसके बाद उसने ब्रेक लगा दी साइकिल को और साइकिल 5 सेकेंड में इतनी स्पीड उसकी रह गई, स्लो हो गया, राइट। आपको पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी एक्सेलरेशन जो है ये फाइनल फाइनल, एक केस मैं करूंगा एक आप करोगे। पहला केस जो है यहां पे आप जानते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। चेंज कितना आ गया, 6 माइनस 0 अपॉन 30, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सेकेंड केस जो है आपका बेटे, एक मिनट रुकिएगा बेटे, एक मिनट रुकिएगा। सेकेंड केस में ये अब आपका फाइनल वेलोसिटी है, ये टाइम टेकन है। एक मिनट बेटा, एक मिनट पुत्र, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कौन सी होगी, 6, क्योंकि वो 6 की अटेन कर चुका है। यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड हम लेंगे। तो सेकेंड केस में फिर एक्सेलरेशन कितना हुआ बेटा, यस दिस इज अ बी माइनस यू अपॉन टी। बी कितना था पुत्र जी, 4 माइनस 6 अपॉन 5, -2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड के, राइट बेटा। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, चलें आगे। आइए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इन रिलेशन टू दीज इक्वेशंस बेटा। हाँ जी बेटे, दोनों केसेस में 8.5 नंबर एग्जाम्पल करेंगे आगे हम बेटा, पहले फिर देखते हैं कैसे हम प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8.5 बेटा,
लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको दिया गया है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. इसका मतलब है स्मॉल यू कितना हो गया जीरो. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. इसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है. टाइम कितना लग गया उसको 5 मिनट का. राइट. अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड द एक्सेलरेशन. पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालिए कि किस रेट से आपका ट्रेन एक्सेलरेट हुआ है. सेकेंडली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी. इतनी वेलोसिटी अटेन करने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. दिस इज आल्सो नीडेड. तो पहले तो ये देख के बताइए जो डाटा दिया गया है इज इट इन परफेक्ट फॉर्म. व्हाट वी नीड टू डू इसको बदलना पड़ेगा. राइट. तो ये वी आपके पास था 72 किलोमीटर. इसके बना दिए मीटर पर सेकेंड एंड ये कितने बन गए जी 20 मीटर पर सेकेंड. इसको भी बदलना पड़ेगा. हाँ जी 300 सेकेंड्स. बिल्कुल ठीक. 300 सेकेंड्स का टाइम भी हो गया. अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करें पुत्र. बी अपॉन टी. राइट. सो बी आपके पास कितना था. यू कितना है और टाइम. सो ये बन गया जी आपके पास 1/2 स्क्वायर. यूनिट्स का खास ध्यान रखना है आपने. डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करें बच्चों. अब वाई नॉट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. एक मिनट ये स्टूडेंट कोई कुछ कहना चाहता है बेटा. लक्ष्य 9A 24 रोल नंबर. बोलो बेटा. सर वी विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. हां जी सर वी विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. हां जी सेकंड कर सकते हो. व्हाई नॉट थर्ड. सर बिकॉज़ वी हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ बट सर यस वी कैन अप्लाई. यस वी कैन अप्लाई थर्ड ऑल्सो. सो मैं एक मेथड से मैं करता हूँ आप दूसरी मेथड से करोगे. फिर आइए सेकंड इक्वेशन आप कह रहे हो कि लगा देते हैं. हमने लगा दिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस बन गया यू कितना था जीरो. टी 300 1/2 ए 1/15. टी कितना है स्क्वायर कर दिया इसका. सो डिस्टेंस कवर्ड बन गया 1/2 1/15 300 एंड 300. ये देखो ये 20 आ गया 10 आ गया एस आ गया 3000 मीटर. 3 किलोमीटर कह रहे हैं. ट्रेन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद इतनी वेलोसिटी अटेन कर पाएगी. दिस इज द पॉइंट. अब आप देखो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके डू यू गेट द सेम आंसर और नॉट. बी स्क्वायर हो गया आपने कर लिया. देखो करके एक बार दोबारा. बी आ रहा है सबका. हाँ जी बेटे इस तरफ सारे बच्चों का 3 आ रहा है. अब थोड़ा लग रहा है कि एक्टिवली बैठे हैं. चले फिर आगे. चलिए इसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का ही. पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे. आइए बेटे कंसंट्रेट करें देखें सोचें समझें. यस. हाँ
आ सकता है, आ सकता है, गुड। 8.6 का एग्जांपल ही है ये भी आपका। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, करें साथ। yes, सच में? Yes, ओके। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन 5 सेकेंड्स का है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल है, फटाफट कर दीजिए जरा। एक्सेलरेशन भी निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है। लुक एट दीज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। लक्ष्य 24 रोल नंबर कहो बेटा, बोलो। Sir, firstly we will convert these values in meter per second and then we will apply the equation first. करिए करिए करिए, good good good। इनको units को properly पहले convert कर लो meter per second में बेटा, and then start। 18 किलोमीटर पर आर कितने बन जाएंगे? 5 meter per second, and v कितना बनेगा? आराम से आराम से आराम से। आप तो ऐसे लग रहा है जैसे दबका मार रहे राइट। सो डियर चिल्ड्रन, यू आ गया, बी आ गया, टी आ गया, अब तो आसान है क्या? सच में? चलिए देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर ले एक बार। ओके बेटा, बी कितना था, यू कितना था? अब नहीं बोल रहे है ना, अब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1 meter per second square आ गया। एंड व्हाट अबाउट एस? हाँ, ये वैल्यू ही है। एस एस इज, अरे पहले फॉर्मूला तो बोलो गुत्तर जी। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लगा सकते हो आप, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले अपना डाटा चेक कर लीजिए कि जो चीज आपको दी हुई है इज दैट अवेलेबल इन द फॉर्मूला आल्सो और नॉट। ऐसा ना हो हम फॉर्मूला लिख लें वो चीज हमारे पास हो ना, देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। 11 रोल नंबर। सर 37.5। हाँ जी सर, आंसर 37.5। आंसर बोल रहे सारे बच्चों का 37.5 आ रहा है, दैट्स समथिंग नाइस। और आप चेक कर लो कि थर्ड इक्वेशन अगर आप यूज करोगे तो क्या उसमें भी आ रहा है? पक्की बात है? सच में? वेरी नाइस। हां जी, हैं किसमें? नहीं, आपको थर्ड इक्वेशन में टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए आपने निकाल लिया ना। आइए मैं करके दिखा देता हूं आपको एक बार। वी स्क्वायर, आपको एस चाहिए, एस ही चाहिए है। वी स्क्वायर ऐसे कर दें, बी कितना है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही तो है राइट। चलें आगे, लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा। देन इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को? कॉन्फिडेंट? अब थोड़ा लगने लगा है कि बच्चे हैं क्लास में, नहीं तो पहले तो आप चुप करके बैठे थे, लग ही नहीं रहा था कि आप एक्टिवली बैठे हैं। सो आइए आगे चलें विद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा। इसमें आपको डियर चिल्ड्रन दिया गया है 8.7 नंबर प्रॉब्लम बेटा। 6 हमारा था ना ये, अभी अभी किया हमने।
8.7 भी देखिए फिर बेटा, आपको बच्चों दिया गया है ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार, ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात थोड़ी उन्होंने कही है डेफिनेटली, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ब्रेक्स भी लगाई है, फिर एक तरफ कह रहे हैं एक्सेलरेट कर रहा है, इज इट करेक्ट? कैसे भाई, हाँ ब्रेक्स लगाकर कैसे एक्सेलरेट हो सकता है भाई? यस इट मस्ट बी रिटार्डेशन। उन्होंने आपको चेक किया है कि क्या बच्चे समझते हैं कि नहीं, जब ब्रेक्स लगाओगे ना एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, राइट? द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। हाँ वो पहले बोला नहीं था ना, हाँ जी ठीक है गुड, चलें आगे। हाँ जी तब भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज वी आर अप्लाइंग द ब्रेक्स। इफ द फिर रिटार्डेशन में तो आपको नेगेटिव लेना ही लेना है बेटे, एक्सेलरेशन के साथ साइन आपका लगेगा ही लगेगा। चलिए इसको कर लीजिएगा, अब आपकी बेल हो गई है, बाकी फिर कल कर लेते हैं बेटा। थैंक यू ऑल बेटे।